Hey guys, this is Sital and welcome back to my YouTube channel. So guys, साउथ इंडस्ट्री में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ जैसे बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है। वहीं हमारा साइड देखा जाए यानी कि ईस्ट साइड, ईस्ट इंडिया के तरफ, तो ईस्ट में आता है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और इन सभी राज्य के एक अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री है। और जिस तरह से साउथ स्टेट में हर एक इंडस्ट्री मिलकर काम करते हैं, यानी कि तमिल के एक्टर तेलुगु में काम कर सकता है, तेलुगु के एक्टर तमिल में काम कर सकता है और मलयालम के एक्टर कन्नड़ में, या फिर कोई भी चारों इंडस्ट्री में कोई भी कहीं भी काम कर सकता है। और इन चारों राज्यों के फिल्म इंडस्ट्री से मिलकर बनता है साउथ इंडस्ट्री। और इसी तरह से कुछ देखने को मिल रहा है यानी कि ईस्ट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, यानी कि नागपुरी के लोग बंगाली फिल्म में भी काम कर रहे हैं और बंगाली के लोग नागपुरी में भी काम कर रहे हैं और नागपुरी के लोग भोजपुरी में भी काम करते हैं और भोजपुरी के लोग नागपुरी में और ओडिया फिल्म इंडस्ट्री से भी मिलकर काम करते हैं। तो आज के वीडियो में कंपैरिजन करेंगे ईस्ट इंडिया के चार बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री को, जिसमें शामिल है भोजपुरी, नागपुरी, बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट और आप लोग इस वीडियो पर लास्ट एंड तक केवल बने रहो। तो सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को। तो भोजपुरी की पहली फीचर फिल्म आई थी 1963 में, जिनका नाम था गंगा मैया तो है प्यारी। और तभी से काफी ज्यादा फिल्में बनते आ रही है और भोजपुरी इंडस्ट्री को अभी इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी जाना पहचाना जाता है। बात करते हैं भोजपुरी फिल्मों को कितना स्क्रीन में रिलीज किया जाता है, तो बिहार में ही 250 स्क्रीन प्लस मौजूद है। और भोजपुरी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात करें तो ससुरा बड़ा पैसे वाला था, जो कि 2004 में रिलीज हुआ था। और भोजपुरी इंडस्ट्री की नेटवर्थ की बात करें तो विकिपीडिया के अनुसार 2000 करोड़ प्लस है। तो चलिए अब आते हैं बंगाली फिल्म इंडस्ट्री पर। तो बंगाली की पहली फीचर फिल्म आई थी 1932 में और तभी से एक से बढ़कर एक फिल्में बनाते आ रहे हैं। और बात करते हैं बंगाली फिल्म को कितना स्क्रीन पर रिलीज किया जाता है, तो बंगाल में ही 200 स्क्रीन प्लस मौजूद है। और बंगाली की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी की बात करें तो है गोल्डन गज, जो कि 10 करोड़ प्लस की कमाई की थी। और 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाली फिल्म इंडस्ट्री 163 फिल्म प्रोड्यूस की थी, जिसमें से 100 करोड़ कलेक्शन करके दिखाया था। और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री जो कि इंडिया के टॉप 10 फिल्म इंडस्ट्री में 8वें नंबर पर आता है। तो चलिए अब आते हैं ओडिया फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। ओडिया की पहली फीचर फिल्म आई थी 1936 में, जिनका नाम था सीता विवाह। और तभी से ही एक से बढ़कर एक फिल्में बनाते आ रहे हैं। और ओडिया के फिल्म स्क्रीन जो कि उड़ीसा में ही 200 स्क्रीन प्लस मौजूद है। और ओडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की बात करें तो वो है अभया, जो कि 7.8 लाख प्लस की कलेक्शन करके दिखाया था और इंडिया के टॉप 10 फिल्म इंडस्ट्री में 10वें नंबर में आता है। सो गाइस, चलिए अब आते हैं नागपुरी इंडस्ट्री पर। सो गाइस, आपको बता दें कि नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो कि इन सभी इंडस्ट्री से सबसे पीछे शुरू हुई है और अभी काफ़ी पीछे है। तो चलिए आपको बताते हैं कि नागपुर की पहली फीचर फिल्म कब आई थी। तो नागपुर की पहली फीचर फिल्म आई थी 90s के समय यानी कि 1992 और इन तीनों ही इंडस्ट्री के 50-60 साल बाद। और इन तीनों ही इंडस्ट्री इतने साल में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुके थे और काफ़ी ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं नागपुर इंडस्ट्री में। और 1992 के बाद सन 2000 आया, जिसमें 7 से 8 साल के बीच टोटल 4 से 5 ही फिल्म रिलीज हुआ था। फिर 2010 तक भी नागपुरी का कोई मार्केट नहीं बना था। इतने समय में गाना ही केवल काफ़ी ज़्यादा बनते थे और एल्बम सॉन्ग जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। उनके बाद आया 2017-18, जो कि इस ईयर नागपुरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी लकी ईयर साबित हुआ, जो कि रिलीज हुआ था तो और बिना मूवी, जो कि काफ़ी हाई बजट फिल्म थी नागपुरी इंडस्ट्री के लिए और काफ़ी बड़ी कलेक्शन करके दिखाई थी। उसके बाद इस फिल्म का सक्सेस रेशियो देखने के बाद कई सारे नागपुरी फिल्म बनना स्टार्ट हो गए और कई सारे फिल्म रिलीज हुए और काफ़ी दर्जनों फिल्म अभी प्रोड्यूस हो रहे हैं। और नागपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट, नागपुर इंडस्ट्री सबसे छोटी इंडस्ट्री तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा एल्बम सॉन्ग या सॉन्ग यहीं पर बनते हैं। गाने रिलीज करने में, एल्बम वीडियो सॉन्ग रिलीज करने में, इन तीनों ही इंडस्ट्री से नागपुर इंडस्ट्री सबसे आगे है। सो गाइस, आप लोग को पता चल ही गया होगा कि कौन है सबसे बड़ी इंडस्ट्री। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।